कल हमने फंक्शन फॉर्मूला को डीएन करे थे, है ना, मतलब रिवीजन करके डीएन तो एक दिन पहले कर दिए थे। और उसके बाद हमने क्या पढ़े थे कि भाई जो भी फंक्शन और फॉर्मूला उससे रिलेटेड कुछ सीट बनती है, जैसे पहली सीट हमने बनाए थे कौन सी, अटेंडेंस सीट। तो अटेंडेंस सीट में देखो यहाँ पे हमारे पास में जो अब्सेंट और प्रेजेंट दोनों दिख रहा है, दिख रहा है अब्सेंट और प्रेजेंट दोनों दिख रहा है, पर ए में बस रेड लगा है। जैसे मान लो पी को मैं ए कर देता हूँ, वो भी रेड हो जा रहा है, देखो ये तो चमत्कार है ना। तो ये कैसे होता होगा बताएगा कोई? देखो इतनी जगह में होता होगा, जितनी जगह हम पी और ए लिखे, इतनी जगह पर, तो इतना एरिया को हमने कुछ ना कुछ तो करे होंगे, तभी तो ए को लिख रहा है रेड जा रहा है और बाकी को कुछ नहीं, बाकी नॉर्मल दिख रहा है। बताओ पढ़े हैं पहले, पढ़े कि नहीं ऐसे इस प्रकार की चीज को? क्या पढ़े हो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े हो? जो हम बताएंगे वही कलर आएगा, ठीक है, और किसको आएगा वो भी हम बता देते हैं। तो आपने पहले पढ़े होंगे हाईलाइट रूल, टॉप एंड बॉटम, एवरेजन, डेटा रूल भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए आपने, आई कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, पर आपने न्यू रूल नहीं पढ़े, ठीक है। तो आपको क्या करना है, न्यू रूल में जाना है, और न्यू रूल में जाने के बाद देखो यहाँ कुछ कुछ लिखा है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम, फॉर्मेट ओनली एवव डुप्लीकेट, ये इस प्रकार की कोई चीज नहीं है, हमको कंटेंट वाला देखना है, ठीक है। कंटेंट वाला नहीं भी देखना है तो आप नॉर्मली सिंगल वाला देख सकते हैं। चलो इसको देखते हैं, हम बिटवीन की जगह हम कर देते इक्वल टू, सिंपल सी बात है। हमने कोई अल्फाबेट ले रहे हैं तो हम पी अकेले बता रहे हैं या फिर ए अकेला बता रहे हैं या एच अकेला, कि फिर मिला के बता रहे हैं, अकेले अकेले बता रहे, तो अकेले अकेले बता रहे तो इक्वल टू बोलेंगे। कभी कभी आप बोल देते भाई 10 और 5 के बीच में, तो बिटवीन आ जाएगा, है ना। पर यहाँ तो ऐसी चीजें है ही नहीं ना, यहाँ तो अल्फाबेट है और अल्फाबेट सिंगल ही होगा, ठीक है। ए को ए जैसा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि भाई जैसे आपने इक्वल टू लगाया है तो एक इक्वल ऐसा भी दे सकते हैं कि स्मॉल के स्मॉल में रहे या कैपिटल में रहे। तो अभी हम सिंपल बोल देते हैं कि वो एच के बराबर हो, किसके बराबर हो, एच के। एच बस क्यों लिखे, यहाँ तो इक्वल टू भी लगाना था, नहीं, क्योंकि उसका मतलब इक्वल टू का मतलब ही होता बराबर, समझ गए। कलर क्या होना चाहिए, फॉर्मेट में चले जाओ। अब बताओ मुझे एच अगर आ जाता है तो एच मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब खुशी के दिन, खुशी के दिन मतलब हरा, है ना। तो आप ऐसे डिफाइन कर दो अपने हिसाब से, फॉर्मेट कलर को आप क्या कर दो, हरा कर दो, और आप ओके कर दो, और इसको भी ओके कर दो, जहां जहां एच लिखा वो ग्रीन हो गया, देखो समझ गए। अब मान लो भाई किसी दिन देखो यहाँ पे एच के दूसरे दिन भी एक और एच आ गया, वो भी ग्रीन हो गया, तो मतलब जितना एरिया हमने डिसाइड करे हैं उतने एरिया में जब भी एच आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, हरा। अब हरा की जगह और कुछ भी हो सकता, फिर चले न्यू में, न्यू आइकॉन सेट में चलो, फिर से देखिए ये वाला दूसरे नंबर का है ना, ध्यान रखना जो कंटेंट मतलब जो उसमें फिल है वो उसके हिसाब से करना है, ठीक है, ना कि बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। यहाँ पे करना है सीधे इक्वल टू, और अब हमको करना है पी, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है तो क्या कलर होना चाहिए बता देगा कोई भी, ब्लू कर दो, चलो ये वाला कलर कर देते, और ये कलर करके आप जो है यहाँ देखो, और कुछ बॉर्डर वगैरह भी कर सकते पर जरूरत नहीं होता ज्यादा, हरा नीला मत कर देना, अटेंडेंस सीट नहीं लगेगी फिर वो, ठीक है, ओके कर दें। जैसे हमने ओके करे देखो जितने भी पी है वो सब ब्लू कलर में हो गए, समझ में आया। अब कभी भी इस प्रकार की चीजें आई तो बता दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो बोला था मैंने आपको, बोला था फीस रिकॉर्ड बनाने को, बनाया था किसी ने, नहीं बनाया, चलो अभी ये डिजाइन करना बताऊं कि सीधे आपको फंक्शन बताऊं, डिजाइन करना भी, चलो डिजाइन करना भी देखते हैं, मतलब आपको सीट डिजाइन करना नहीं बनती है। ये देखो ब्लैंक वर्कबुक, चलो ये एक्सेल है हमारा, है ना, एक्सेल में कॉलम और रो, यहाँ सबसे हम एक लाइन छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हेडिंग डालना होता है, बिना सिर के पूरी बॉडी कोई काम की नहीं, उसी प्रकार बिना हेडिंग के सीट कोई काम की नहीं, उसी प्रकार हम दे देते हैं क्या 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 होना चाहिए बताओ जरा, सीरियल नंबर, फिर नेम होना चाहिए, फिर आप किस किस मंथ में फीस देते हैं वो मंथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक दे देते आप जनवरी, ठीक है, जनवरी के बाद आप ऐसे खींच दोगे 12 महीने खुद ब खुद, क्योंकि ये चीजों के लिए वो समझदार है, नहीं है, है समझदार वो, ठीक है। यहाँ कर देंगे अपन क्या, पेड, पेड मतलब कितनी फीस आप दे चुके हो,
और यहाँ कर देंगे आप बैलेंस, ठीक है। आप टोटल कितने का आएगा बताएगा कोई? इतने का कहाँ आएगा? यहाँ। तो हम कर देते हैं, पहले तो दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्टूडेंट दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे देना अपने भाई बंदियों के। ये हो गए हमारे पास में 5 स्टूडेंट। अब जनवरी की फीस मान लो इतने दे दिया, कितनी? 2500। उसमें दूसरे महीने में आकर कितनी दे दिया? 500। ये दे दिया 1000। ऐसे सब लोग देंगे, कुछ ज़्यादा कोई कम आगे पीछे ले देखे, सबका फाइनल होकर पेड कंप्लीट होगा जैसे भी हो। तो पेड में क्या आना चाहिए बताएगा कोई? इक्वल लगाएंगे। पहले हम इसको बड़ा कर देते हैं। पहले देखो यहाँ पे हमारा जनवरी कहाँ शुरू हो रहा, देखो C3 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है दिसंबर में, देखो। तो उसी में हम कंटेंट करेंगे सारी वैल्यू को, ठीक है। और जोड़ करना है यानी टोटल करना, तो हम लगाते हैं सीधे क्या, सम B3 के C3, C3 से N3, एंटर कर दो। 4000 रुपये टोटल फीस हो गई इसकी। अब बैलेंस वही बचेगा जो टोटल फीस से ये माइनस कर देंगे, समझ गए। तो ये सेल की वैल्यू को माइनस करना है कि सेल एड्रेस को माइनस करना है? सेल की वैल्यू अभी 4000 है, ठीक है, और सेल का एड्रेस है O3। तो O3 में जो है वो माइनस होना चाहिए कि जो वैल्यू लिखी वो माइनस होना चाहिए? 4000 बस माइनस करेंगे। मान लो किसी ने आकर 5000 और पे कर दिया तो 4000 माइनस होगी। उसका रिकॉर्ड तो गलत दिखाएगा कि भाई जबकि उनने 9000 पे कर दिया है तो उसका तो माइनस होकर दिखना चाहिए ना, जो भी लिखा है। तो यहाँ पे घटना क्या चाहिए बताओ मुझे, माइनस क्या होना चाहिए? ये वैल्यू माइनस होनी चाहिए कि O3 में जो लिखा है? हाँ। तो अब आप इक्वल करोगे, अब आपकी टोटल फीस आपको पता होगी सबको, ठीक है। मान लो हमारी टोटल फीस 12000, तो माइनस करेंगे कि नहीं? किससे करेंगे? इस O3 से, ठीक है, समझ गए। अभी कितना बैलेंस बचा? अब मान लो व्यक्ति ने बीच में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिया, तो यहाँ आकर उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ये देखो अब 7 पे हो गई, बचे कितनी? फिर बीच में कुछ नहीं दिया, फिर आकर उनने दे दिया 2000, अब बची कितनी? यहाँ पे आकर तो उसको 3 देना ही पड़ेगा, नहीं तो दिसंबर में तो एग्जाम ही हो जाएंगे। अब देखो बैलेंस, कभी कभी कोई आकर, अरे भैया मेरी फीस बची 500 और ले लो, तो देखो माइनस में क्रेडिट हो गया कि नहीं, मतलब आपका पैसा जमा हो गया। अब निकलाने के लिए तकलीफ होगी, तो पहले आप देख लो क्योंकि तकलीफ ना हो। तो यहाँ कर देंगे क्या, एडजस्टमेंट। कॉमर्स पढ़े कि नहीं? समायोजन है ना, चैप्टर नंबर 17 में था 11वीं के, तो उसको आप देख लेना अगर नहीं पढ़े तो। समायोजन जिंदगी में भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कॉमर्स पढ़े हैं, समायोजन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप मान लो 1000 रुपये घर से लाए हो और आपने किसी फ्रेंड से लिखे 100 रुपये और खर्चा कर लिए, तो आप इधर उधर से ले देकर फिर टूस करते ही नहीं उसको, उसी को समायोजन बोलते, एडजस्टमेंट करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट में भी फीस इसी प्रकार रहेगी, तो आपको टोटल करना तो बन गया। टोटल कैसे करते बताओ जरा, सम, और घटाना कैसे है, जो इसमें वैल्यू आई है वो इसमें घटा दो, है ना। और किससे घटाना वो तो हमको पता रहती है, कितनी फीस है 9000 में घटा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप बना लेना। अब सजाने की बात है, तो सजाना आपको पड़ेगा। जैसे मान लो आप सबको सेलेक्ट करो एक साथ और आप जाओ कहाँ पे, ऑटो फिट, ठीक है। आप यहाँ हेडिंग में मर्ज कर दो, ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड, ठीक है। बोल्ड इटैलिक कलरफुल करना बनेगा, ये सब बन जाएगा, तो मेरे हाथ क्यों करवा रहे, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ बन जाती है, तो आप जो है अपने से करना ये काम, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होगी, मैं करने रहा तो मेरी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो यहाँ कलर कर दो पीछे, ठीक है। यहाँ आप जो सीरियल नंबर को अलग दे देना, नेम को अलग, ज़्यादा अलग अलग मत देना। और यहाँ पे आप देना, जैसे मान लो यहाँ फीस एक निश्चित अमाउंट से कम है तो डिफॉल्टर लिस्ट में पहुँच जाए, और डिफॉल्टर मतलब रेड लिस्ट में, और यहाँ कलर रेड हो जाना चाहिए खुद ब खुद। या मान लो किसी ने मार्च में 1000 रुपये से कम पे किया तो उसको रेड कर दो। तो आप कैसे करोगे, आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे और कहाँ जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, और यहाँ आप कर दोगे, देखो बिटवीन की जगह आप कर दोगे लेस देन। देखो लिखा कि लेस देन कहीं, ये लिखा लेस देन हो जाना चाहिए कि 1000। जैसे 1000 से कम है उसका कलर हो जाना चाहिए, जैसे मान लो ये व्यक्ति आया 900 रुपये दिया इनने, अभी नहीं हुआ,
अच्छा कलर का रेंज नहीं अपन ने, सिर्फ कंडीशन डिफाइन करने थोड़ी होता है। जैसे मान लो अपन ने किसी बोले देख तू शाम तक घर नहीं आया तो बस, उसके बाद क्या मतलब सामने वाले पता ही नहीं चले क्या होगा भाई, वो तो और लेट आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर उसको बोल दिया देख तू शाम तक घर नहीं आया तो तेरी गर्दन में चाकू मार दिया जाएगा, ठीक है तो अब क्या होगा खतरा आवाज शाम से पहले आ जाएगा, ठीक है यहाँ लिख दो क्या 1000, अब फॉर्मेट कर दो खतरा, ठीक है उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, अच्छा ऐसे कलर मत करो, इसका बैकग्राउंड कलर करो, चकचकाक पूरा दिखना चाहिए ये, ठीक है इन सब का खतरा है, ठीक है अब ये व्यक्ति भी 500 रुपये देता है तो देखो ये भी खतरा, अब ये 1001 रुपये दे देता है या ऐसे करके ऐसा, तो देखो खतरा तो आ रहे हो, समझ गए। तो ये चीज आपसे बन गई तो आप मतलब एक प्रकार से देखो डायनेमिक रूप से सीट बनाओगे, डायनेमिक बनाना मतलब बदलते रहना समय अनुसार, नहीं फिक्स्ड बना दिए बाद में बेचारे ज्यादा दे दिए तो लाल लाइट जल रहा है उसके ऊपर, ऐसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए इसको बना लेना स्टूडेंट रिकॉर्ड को, आप अच्छे से डिजाइन करना है ना, सुंदर टाइप का दिखना चाहिए, जैसे यहाँ भाई टोटल फीस दिख जाए आपकी, इस टोटल फीस में हमने यहाँ माइनस करे होंगे जरूर है ना, तो एक टोटल फीस वाला बना लेना, तभी तो माइनस कर रहा है कोई भी अपने मन से माइनस करेगा, नहीं तो पता चल रहा है किसी ने 2000 रुपये से माइनस कर लिया और बोले मेरी फीस तो पे है पूरी, है ना ऐसे में दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। चलो अब बनाते हैं हम क्या, कोई व्यक्ति वोट दे सकता नहीं दे सकता हमारी कंट्री में, उसका भी रहता है ना, तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है नागरिकता। अब कोई अभी दूसरे देश से आ गया तो वो वोट दे सकता है क्या, नहीं देता, वो 50 साल का हो जाए चाहे 500 का हो जाए फिर भी वोट दे सकता है क्या, तो वोट देने के लिए हम यहाँ सीट बनाएंगे, हम यहाँ चलते नई सीट कैसे लेते पता आपको, नीचे प्लस बटन से, और हम फिर से क्या करेंगे क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक तो होना चाहिए सीरियल नंबर या फिर नेम कर दो सीधे, सीरियल नंबर 1, 2, 3 आप गिन लेना, ठीक है दूसरा आप कर दो क्या एज, एज की जगह पहले करो कंट्री, कंट्री में रहेगा तो ही एज गिनेंगे ना, पता चल रहा कोई बाहर का तो हमको क्या फर्क पड़ता तेरी एज कितनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम गलिंग करेंगे क्या रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, चलो इतने ही कर लेते, नाम कर देते ए बी सी डी, चलो 4 का बना लेते, कंट्री कर देते इंडिया, अभी कैपिटल लिख रहा है स्मॉल लिख रहा है वो आप डिपेंड करते हैं, क्योंकि कंडीशन लगाते समय ध्यान रखना कि स्मॉल लिख रहे तो स्मॉल की कंडीशन लगाना, कैपिटल लिख रहे तो कैपिटल की, चलो मैं इसको कैपिटल कर दूं, कैपिटल लिख देते इंडिया यूएसए पाकिस्तान चाइना, ठीक है। उसके बाद अब वो बाहर और ज़्यादा हो सकते हैं, एज किसी की कर दो कितनी, इसकी 17 कर दो, अच्छा 18 कर देते बेचारे को बोर्ड दे देगा, ठीक है इसकी कर देते 19, इसकी तो ये तो 200 साल का हो जाएगा तो वोट नहीं दे सकता है ना, सिंपल सी बात है जहरीला आदमी है वो, ठीक है चलो इसको कर देते अपन। और यहाँ रिजल्ट में हम करते हैं इफ, इफ मतलब समझ रहे यदि, ठीक है यदि इस सेल में इंडिया है तो, समझ गए तभी अंदर चेक होंगे कि नहीं, आप परिचय पत्र लेके जाओगे तो देखा जाएगा अरे ये तो पाकिस्तान का, तो निकल निकल जल्दी निकल बाहर, है ना ऐसे बोलेंगे कि पहले ये देखेंगे पहले कंट्री देखेंगे, तो इफ ब्रैकेट लगाए कौन सा सेल में इंडिया लिखा बताओ जरा, B3 B3 बराबर लगाएंगे, इंडिया बड़ा है छोटा थोड़ी होता है बराबर होता है ना, बड़ा छोटा क्यों होगा किसके, इंडिया के। अब इंडिया टेक्स्ट है कि नंबर है बताओ मुझे, क्या है और टेक्स्ट के लिए हमेशा लगता है डबल कोट, और इंडिया कैपिटल में लिखे तो यहाँ भी कैपिटल में डबल कोट के अंदर लिखोगे, ये हो गई हमारी कंडीशन कि अगर B3 क्या है इंडिया के बराबर तो सीधे आकर वोट थोड़ी दे देगा, अब 5 साल का बच्चा बोले मैं इंडियन हूँ वोट दे, ऐसा थोड़ी होता है, वो पहले दिखाएगा एज कितनी डेट ऑफ बर्थ, तो दूसरा कॉलम भी चेक होगा कि नहीं वाला होगा, तो अब ये सेल का एड्रेस क्या है बता मुझे, तो एक इफ हो गया यदि ये व्यक्ति इंडिया का है तो फिर ये इस सेल को चेक किया जाएगा क्या ये 18 का है, मतलब 2 इफ लगेंगे, समझ गए। जैसे मान लो आप समय से घर आओगे, दूसरी चीज आप बिना कुछ कांड किए घर आओगे, मतलब दिन भर करते हैं ना कुछ धांधलाई करके घर चले जाते हैं और लनफन घर में जोड़ देते भाई क्या क्या करके आए, फिर माँ बाप के ऊपर टेंशन हो जाती, होती कि नहीं होती, तो 2 कंडीशन लग गई, आप समय से घर आओगे दूसरा बिना कुछ कांड किए घर आओगे, 2 इफ हो गए कि नहीं, है ना निकलते बराबर ये कंडीशन लगाई जाएगी आपके पसंद जब आप घर से निकलोगे, रहते किसी किसी घर में
कि भाई अब भुगते हुए रहते हैं, ये नहीं रहता पाबंदी है, वो पहले भुगते हुए रहते हैं, तो इसलिए वो सचेत करते हैं। चलो यहाँ फिर से क्या लगाएंगे, और फिर से ब्रैकेट। अब यहाँ बराबर का निशान क्यों नहीं लगा? बराबर का निशान का मतलब होता है फंक्शन या फॉर्मूला की शुरुआत, जबकि एक ही फंक्शन है ना, कि शुरुआत हो रही फिर से, उसी का पार्ट है वो। शुरुआत कहाँ हो गई? शुरू में, तो शुरू में हो गई तो इक्वल तो लग गया। चलो इक्वल लगा, आप कौन सा सेल चेक करोगे बताओ मुझे? C3 में नंबर है कि टेक्स्ट है? बड़ा छोटा नाप सकते हैं, समझ गए? अब इसमें अपन मिनिमम वैल्यू और बराबर वैल्यू 18 दे देते हैं, उससे बड़ा और बराबर जितने भी है सब बोर्ड दे दो, पर उसके पहले वो इंडियन होना चाहिए। देखो शुरू में पहले ही नाका लग गया है। अब सीधे सीधे आप जो है ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं, यानी कि सही और गलत वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो ही कंडीशन चेक करना था। अगर आपको लगता है कि आप चार कंडीशन चेक कराए तो चार करा सकते थे, ऐसे इफ इफ लगाते जाते, ठीक है? उसको भी देखेंगे अपन। ट्रू वैल्यू अपन खुद ही प्रिंट करना चाहते हैं, वाह वेरी गुड बधाई हो, ऐसा वैसा जो भी है ना, तो उसको अपन मर्जी से प्रिंट करेंगे तो अपन डबल कोट में लिखेंगे, ठीक है? तो हम लिख देते सीधे क्या, बधाई हो, नहीं लिख सकते गुड, नहीं अच्छे से लिखो, ऐसे लिखेंगे, हाँ बधाई हो, ठीक ऐसे, हाँ जो भी लिखना वो अंदर लिख देना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बढ़िया मनोरंजन बना दो। उसके बाद अगर सिंपल सी बात है, यहाँ बताओ मुझे, अगर 18 का नहीं, 18 का इंडिया का भी है और 18 का भी बधाई हो, पर यदि 18 का नहीं है इंडिया का है तो क्या बोलेंगे उसे? ऐसा थोड़ी बोलेंगे तो आतंकवादी है, उसको बोलेंगे अभी आप बच्चे हो घर जाओ, जब 18 के होंगे तब आना, ऐसा बोलेंगे इज्जत से कि भगा देंगे चिल्ला, भाई इंडिया का व्यक्ति इंडिया कैसे चिल्ला सकता है, गलत बात ही तो है ना। तो हम यहाँ डबल कोट में फिर से लिखेंगे अभी आप बच्चे हो, बच्चे ऐसे लिखेंगे ना, हाँ बच्चे हो। अब ये हमारा एक बात बताओ, ये कोष्टक था, कोष्टक के अंदर लॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल का सही भी हो गया उसके बाद गलत भी हो गया, तो ब्रैकेट बंद होना चाहिए कायदे। चलो बंद कर दो, एक ब्रैकेट बंद, एक दरवाजा खुला था वो बंद हो गया। अब यहाँ इंडिया के बारे में बोलना है, इंडिया का है तो अंदर गया और दोनों काम कर दिया, अब इंडिया का नहीं है बाद में गलत आंसर प्रिंट कराओगे कि नहीं? देखो इंडिया का था तो ये सही आंसर था इंडिया का, इतना कंप्लीट सही, पर इंडिया का नहीं है तो कॉमा लगा के नहीं बोलोगे आप? अपने देश में जाओ ना भैया यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे बोलोगे? तो आप यहाँ कॉमा लगा बोल दोगे अपने देश में जाओ, ठीक? ये भी डबल कोट में हो गया। अब एक गेट और खुला था यहाँ, देखो एक कोष्टक, तो उसको हम बंद करेंगे कि नहीं? बंद कर दो। देखो आप ध्यान से देखो, एक इफ खुला था तो उसकी लॉजिकल कंडीशन हो गई, उसका ट्रू वाला मामला इतना था ये, क्योंकि ट्रू में भी एक कंडीशन थी तो उसमें भी कंडीशन, फिर ट्रू और फॉल्स, समझ गए? और ट्रू के बाद फिर कॉमा लगता है, तो गलत के लिए देखो हमने फिर से लिख दी, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है और दोनों का सही भी है और दोनों का गलत भी है, समझ गए? चलो एंटर करें, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, एक तो इंडियन भी है, दूसरा अगर मान लो उसकी एज हो जाती है, क्या बोल रहा है, और अगर मान लो वो बूढ़ा हो जाए चाहे बच्चा रहे फर्क ही नहीं पड़ता, अगर वो पाकिस्तान से आया है तो क्या बोलेंगे, समझ गए? तो पहली कंडीशन क्या चेक हुई, कंट्री, दूसरी कंडीशन क्या चेक हुई, एज। अगर मान लो इसको कर देते हैं हम क्या, चलो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, एक और कंडीशन लगा लेते समझ में आ जाएगा, फिर से क्या लगाएंगे अपन, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहले कंट्री चेक होगी, कंट्री कहाँ है बताओ, बिफोर, बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन कुछ आएगा, बराबर, क्योंकि कंट्री लिखी है ना, और डबल कोट में आएगी बगैर डबल कोट के, यूएसए है ना। अब यूएसए चेक कराएंगे कि इंडिया ही, हमको तो इंडिया से मतलब ना, ठीक है अपने को यूएसए से क्या मतलब है, कॉमा लगा हम फिर से क्या लगाएंगे, ए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरा सेल कौन सा बताओ मुझे, C4, ये बराबर है कि बड़ा है कुछ भी कर सकते हैं हम, तो कितने होना चाहिए 18, और फिर डबल कोट के अंदर वही आंसर लिख दो, क्या बधाई हो, बार बार है ना, और कॉमा लगा बोल देंगे यहाँ पे आप, हाँ बच्चे हो कुछ भी बोल देना, ठीक है अभी वोट मत दो, ठीक ब्रैकेट बंद कर दिए, और फिर कॉमा लगा गलत वाला आंसर कौन सा अपने देश में, ये इस प्रकार से, और इसको भी हम डबल कोट से बंद कर दो और ब्रैकेट भी बंद कर दो, एंटर कर दो, वो देखो क्या बोल रहा है, अगर मान लो वो हो जाता है इंडिया का तो देखो जरा, समझ गए? अब इसमें जहाँ बधाई हो आएगा वो हो जाना चाहिए ग्रीन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल में जाएंगे, और आपको जाना फिर से वही
सेल दैट कंटेंट, और यहाँ इक्वल टू ही करना है, और देखो यहाँ क्या आएगा, बधाई हो, और बधाई हो आ गया, इसका मतलब उसका बैकग्राउंड में फिल कर दो ग्रीन, है ना, ऐसे देखो समझ गए। अगर मान लो इसको भी कर देते हैं हम इंडिया, तो देखो वहाँ भी अच्छा इंडियम 17 ही का है ना। पर एक और चीज़ है, अभी आप बच्चे हो, यहाँ भी तो करेगा अपन ने, नहीं करे, यहाँ अभी करो ना, पूरा करो, गलती नहीं करना, सबका सेम आंसर रहना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ भी अभी आप बच्चे हो उसका वार्निंग आ जाना चाहिए। देखो जिसके ऊपर खतरा नहीं रहता, सिग्नल येलो हो जाता है कि नहीं, मतलब खुलने बंद होने के पहले येलो होता है, खुलने के पहले होता है, हाँ चलो येलो मतलब होता है कि खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो अभी आप बच्चे में अपन क्या कर देंगे, रेड थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे, येलो इक्वल टू कर दो, और यहाँ क्या लिख दो, इस प्रकार से, और इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो कर दो, इस प्रकार से, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। देखो और जो दूसरे देश का उसके ऊपर खतरा है कि नहीं है, फिर से कहाँ जाएंगे, न्यू रूल में, और फिर से वही सेकंड नंबर का ऑप्शन में इक्वल टू करना है अपने, है ना, और यहाँ क्या कर देंगे, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, खतरा भाई, उसको इस प्रकार से। देखो अभी अपने देश में जाओ नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है, यहाँ कंडीशन लगी क्या, नहीं, पर हम पकड़कर खींचते तो फंक्शन फिल होगा कि वैल्यू फिल होगी, अंदर क्या लगा, ये आंसर कैसे आया बताओ मुझे, ये आंसर फंक्शन से आया कि वैसे ही आ गया, तो अंदर क्या होगा, फंक्शन, देखो दिख रहा है, तो अगर इसको फिल करेंगे तो फंक्शन फिल होगा कि वैल्यू फिल होगी, हाँ, यहाँ अपन इसको पकड़ते और इसको पकड़कर खींच देते, तो देखो अपने देश में जाओ को क्या बोल रहा है, वो लाल नज़र से देख रहा है, ठीक है। मान लो 200 साल वाला व्यक्ति इंडिया का है, तो देखो समझ गए, तो आपको दो कंडीशन लगाना समझ में आ गया, एक तो हमने पहले लगाए थे, इसमें अब दो की जगह मैं बोल दूँ चार लगाना, तो लगा सकते आराम से लगा सकते, थोड़ी खिचड़ी बनेगी, ठीक है। अब भंडारा की खिचड़ी भाई, सिंपल सी बात है, ढेर सारी चीज मिलती पर स्वाद भी आता है, ठीक है, तो आप देख लेना इसको। चलो एक और सीट देख लेते, फिर बाद में देखेंगे। टैक्स पे करता में कुछ नहीं, आपको कुछ करना है, कोई व्यक्ति इंडिया का है और उसकी एक लिमिट तय कर दो कि 50,000 रुपए से ज्यादा उसकी सैलरी है, तो वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है। पर वो इंडिया का है और उसकी सैलरी 50 से नीचे है, तो येलो कर दो उसको, देखो ये तो फॉर्मेटिंग तो बनी जाएगी। दूसरा यहाँ देखो वही कंडीशन लगी है, देखो सेम टू सेम है, बस शब्दावली चेंज हो गई, वहां अपन बोल रहे थे अभी आप बच्चे अपने देश में जाओ, यहाँ रॉन्ग कंडीशन बोल दे रहे, क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ भी अपन वही लगा रहे इंडिया, और यहाँ अपन बड़ा छोटा 18 को बोल रहे थे, यहाँ कितना बोलना, 50 को, जितना भी भाई 1,00,000, 2,50,000 अपने स्लैब, देखो जीएसटी कहाँ से लगता है, तो जीएसटी का स्लैब दे देना आप वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप खुद बनाओगे, इसकी पिक्चर में डाल दूंगा ग्रुप में डिजाइन की, बाकी कंडीशन खुद लगाना है, कौन से देखकर, पीछे वाले का। अब आपके लिए एक टास्क है, अपनी मार्कशीट बना लेना, आप ऐसे डिजाइन कर लेना, फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है। मार्कशीट बनाना पता है, ऊपर आप सजा लेना कौन सी क्लास का है, सेक्शन दुनिया भर का, ये पूरा A4 में सजा लेना, सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन, ग्रेड, दुनिया भर का, ये सारी चीजें। यहाँ इफ लगा लेना, देखो इफ कैसे लगाना, इफ लगाना, देखो ये इफ लगा है, ये देखो मल्टीपल इफ है ना, और मल्टीपल इफ मत लगाना, यहाँ डाल लेना, ये भी खतरनाक ही है, मत लगाना, ठीक है, कुछ मत करना, सिर्फ डिजाइन कर लेना, बाकी चीजें मैं बताऊंगा, है ना, खतरा लग रहा है उसमें, क्योंकि उसको और समझाना पड़ेगा, ठीक। तो सीट आपको बनाना है, एक दिन और बताऊंगा मैं सीट, उसके बाद एक्सेल का कोटा खत्म, क्योंकि प्रैक्टिस ही हो रही नहीं, एक प्रकार से रिविजन ही एक्सेल का पूरा, सीट बन रहा है मतलब एक्सेल का रिविजन, और उसमें फंक्शन लगा रहा है मतलब फंक्शन का रिविजन, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो तो फिर हजारों सीट है, मैंने यहाँ मुख्य मुख्य ले लिया हूँ कि भाई एक बेसिक काम हमारा हो जाए और आगे हम काम कर सकें। तो आप कुछ भी नेट से निकाला करो सीट को, और उसको सजाओ, और उसके बाद उसमें फंक्शन लगाओ, ये काम खुद से नहीं करोगे जब तक नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा सोचोगे कि इतना मैंने बताया हूँ वो कर लोगे तो काम हो गया, ठीक है। और मैंने ग्रुप में एक सीट वाला वीडियो भी डाला था, है ना, कम्प्लीट सीट है उसमें, ये चाहे तो आप हेल्प ले सकते हैं उससे, ठीक है। 2.5 घंटे में पूरी सीट ख़त्म, तो पुराने डिजाइन करना भी बन जाएगा आसानी से, और फंक्शन भी लगाना बन जाएगा। चलो भेड़ जाओ जरा युद्ध स्तर पे।